आगरा में मुगल शहंशाह शाहजहां का 369वां 3 दिवसीय उर्स ताजमहल में शुरू हो गया। दोपहर 2 बजे ताजमहल के मुख्य मकबरे में तहखाने में स्थित शाहजहां और मुमताज की असली कब्रों पर गुस्ल की रस्म हुई। इस दौरान तहखाने में स्थित शाहजहां और मुमताज की मुख्य कब्रों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पूरे साल यहां किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती है और केवल शाहजहां उर्स के दौरान ही आम जनता के लिए कब्रों को खोला जाता है। उर्स के दौरान बड़ी संख्या में देश विदेश से जायरीन भाग लेने के लिए आगरा पहुंच रहे हैं और ताजमहल में प्रवेश से लेकर मुमताज और शाहजहां की कब्रों का जायरीन निशुल्क दीदार कर रहे हैं। उर्स के दूसरे दिन आज संदल चढ़ाया जाएगा। दुनिया के हर श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करेंगे। यहाँ पे कोई भी कोई मतभाव नहीं है। जैसे 19 तारीख से टाइम मिलता था, 8 तारीख को चलेगी, उस दिन सारे दिन ताजमहल फ्री रहेगा। ताजमहल का 369वां 369 उर्स जो है वो शुरुआत हुई, उसकी इब्तिदा आगाज हुआ और आगाज में ये होता है कि सबसे पहले गुलपोशी होती है। जो मुख्य मकबरे हैं वहाँ पर जाने के लिए जो दरवाजे हैं उनको खोला जाता है और खोलने के बाद वहाँ पर पहले अजान पढ़ी जाती है। अजान पढ़ने के बाद तिलावत कुरान होता है और तिलावत कुरान होने के बाद गुलपोशी होती है और उसके बाद वहाँ दुआ की जाती है और उस दुआ में अमन की दुआ की जाती है। मुल्क में अमन के लिए, मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए अमन की दुआएं होती हैं और ये लगातार 369 साल से मनाया जा रहा है।